राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टेयरिंग कमेटी के गठन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश कांग्रेस और सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद स्टेयरिंग कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें कुल 47 नाम है, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ से एक भी नाम शामिल नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता हैं वो उस कमेटी के योग्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ के नेताओं को इस योग्य उस लायक भी नहीं समझा है। छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल नेता पद अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को कितना महत्व दिया जा रहा है, इसके साथ ही सुनते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा। मान करके चलिए कि इनको महत्व दिया जाता तो स्थान पाते, लेकिन अब कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी में जिस प्रकार से इनको महत्व नहीं दिया जाना इस बात को दर्शा रही है कि अब कांग्रेस की क्या सरकार की स्थिति है और कांग्रेस की स्थिति है ये जानकारी हो गई है और इसके कारण में उनको स्थान नहीं दिया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस नेताओं की जो विश्वसनीयता है छत्तीसगढ़ की वो खत्म हो गई है उनके नेतृत्व के सामने।